दोस्तों सब्सक्राइब करो सेवन स्टार टेक को और साथ में इस घंटी बेल आइकन को भी दबा दो ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलती रहें। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का सेवन स्टार टेक यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मेरा नाम है आशीष पांडे और आज मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूँ कि कंपार्टमेंट का जो आपका फॉर्म है वो कब भरा जाएगा और जो थर्ड कंपार्टमेंट है मतलब जिनकी थर्ड कंपार्टमेंट तीसरी बार कंपार्टमेंट आ गई है उनका पेपर कैसे होगा, कैसे उनका फॉर्म भरा जाना है, और जिनका अभी फर्स्ट टाइम मतलब इस बार जो पहली बार कंपार्टमेंट देंगे उनका भी कैसे क्या होना है, ये सारा प्रोसीजर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना दोस्तों, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये फॉर्म आपका आएगा कहाँ पर। तो ये फॉर्म आता है दोस्तों ये CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट पे आता है। यहाँ पर आपको इन फोकस में या फिर रिसेंट अनाउंसमेंट में आपको फॉर्म जो है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर अपडेट देखने को मिल जाएगा। पर यहाँ पर अगर मैं बताऊँ तो जो अभी जिनकी फर्स्ट टाइम कंपार्टमेंट आई है उनको उनका फॉर्म नहीं भरना है, जो रेगुलर स्कूल के स्टूडेंट थे उनका फॉर्म उनके स्कूल वाले ही भरेंगे। तो आपको स्कूल से कांटेक्ट करते रहना है बस, और स्कूल वाले आपको बता देंगे जब भी फॉर्म निकल आएगा वो आपका फॉर्म भर देंगे। आपको वहाँ पर इसकी शायद 300 रुपये फीस है तो वो आप उनको दे देना और आपका जो फॉर्म है वो भर दिया जाएगा। अब बात करें अगर जो प्राइवेट कैंडिडेट के स्टूडेंट्स हैं जिनकी थर्ड बार मतलब तीसरी बार आ गई है तो उनका फॉर्म ऑनलाइन ही यहाँ से भरा जाएगा, तो वो मैं बता दूंगा जब भी डेट आएगी। तो आप चैनल पे मेरे बने रहना और वीडियोस को देखते रहना ताकि आपको जैसे ही फॉर्म आता है, क्योंकि अगर फॉर्म की डेट निकल गई वो मुश्किल से 3-4 दिन के लिए आएगा, अगर वो निकल जाती है तो फिर उसकी जो लेट फीस है वो बहुत ज़्यादा है, 1000 रुपये और फिर सीधा 5000 रुपये। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना आप लोग इस चीज़ का। और यहाँ पर अगर डेट की बात करूँ कि मैं मतलब डेट उसकी कब है, तो यहाँ पर डेट हम कह सकते हैं कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पक्की तो कोई डेट नहीं है, पर जून 1 मतलब 1 जून को आप कह सकते हैं, क्योंकि अभी रीवैल्यूएशन का जो प्रोसेस है वो चलेगा 21 दिन, रिजल्ट निकलने के 21वें दिन तक वो चलता है। तो यानी 26 तारीख 27 तारीख, तो यानी 27 के बाद रीवैल्यूएशन का फिर उन्हें रिजल्ट भी देना होगा, मतलब उसका जो भी है स्टेटस अपडेट करेंगे वो लोग, तो वो 3 से 4 दिन शायद लगा लें। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 1 जून से आपका जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा लिंक उसका, और फिर आप अपना फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो उसकी लास्ट डेट है वो फिक्स है, तो वो आप देख सकते हैं कि 6 जून उसकी लास्ट डेट होगी यहाँ पर। अगर इसके बाद अगर आप फॉर्म भरेंगे 6 जून के बाद, आप देख सकते हैं 7 से 12 जून के बीच में आपके लगेंगे 1000 रुपये और 13 से 15 के बीच में आपके लगेंगे 5000 रुपये, ये लेट फीस है। तो इसलिए आप ध्यान रखना 6 जून से पहले पहले आप ज़रूर अपना फॉर्म भर लीजिएगा, वरना फिर आपका अच्छा खासा पैसा लग जाएगा, तो उसके लिए आप ध्यान रखिएगा। तो यही था इस वीडियो में दोस्तों, आशा करता हूँ आपके ये वीडियो काम आई होगी। तो इसको प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही हेल्पिंग वीडियोज़ के लिए। तो थैंक यू दोस्तों आपका ये वीडियो देखने के लिए।